दाग जिद्दी होते हैं, जल्दी जाते नहीं। गुड मॉर्निंग। मैं 2-3 दिन से गायब थी। सबसे पहले तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। क्या करती, पूरा टाइम बिजी, भागम भागी सी थी। और भागते भूगते मुझे ऐसे मिलना जुलना, बातचीत करना, ऐसा लगता है वो भी रफ्तार में हो रहा है। थोड़ा ठहर कर, थोड़ा आराम से बातचीत करना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता? मुझे तो लगता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं बड़े ही साधारण तरीके से दिन बिताने वाली हूँ अपने असाधारण फैमिली के साथ। जी हाँ, आज हमारे वीडियो में आपको कुछ नहीं दिखेगा। आज मैं कुछ करने के प्लान में नहीं हूँ। आज सिर्फ अपने साथ और आपके साथ वक्त बिताऊंगी, चुपचाप बस वक्त बिताऊंगी। तो आज मैं फुर्सत में हूँ, इसलिए आज मैं लगाऊंगी फेस पैक। भागम भागी में किसी भी दिन अपने चेहरे का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। मैं आज क्या लगा रही हूँ? आज मैं लगा रही हूँ अपने पैक में कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा उसमें हनी, मेरे पास केसर है इसलिए थोड़ा सा केसर, वॉलनट ऑयल और थोड़ा सा रोज वाटर। मिक्स मिक्स मिक्स। जब मैं फुर्सत में हूँ तो आपको दिख जाएगा कि मेरा पैक बड़े अच्छे से मिक्स हो रहा है, वरना भागम भागी में सिर्फ हथेली पे डाला और लगा लिया। अरे अभी याद आया, मेरे पास तो रोज़ और हिबिस्कस पाउडर भी है, फिर वो भी मिक्स कर दिया। अच्छे से मिलाकर अब लगाऊंगी मैं अपने चेहरे पर। और कुछ लोग कहेंगे, या ये कहूँ कहने वाले कहेंगे, रतन चेहरे पर तो इतने सारे दाग हैं, कुछ भी कर लो, जाते तो है नहीं, चमक भी नहीं आते। क्या करूं बॉस, सुना है ना, दाग जिद्दी होते हैं, जल्दी जाते नहीं। अब चेहरा है, वरना मैं सर्फ एक्सेल लगा लेती, पर वो तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं अपने पैक्स लगाती हूँ। दोनों हर दिन दो दो हाथ हम लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, मेरे दाग और मैं ना अपने दाग की तरह जिद्दी हूँ। मेरे दाग कहते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और मैं कहती हूँ मैं हर दिन तुझ पर कुछ लगाना नहीं छोड़ूंगी। बस हो जाता है दो दो हाथ। ये 5 मिनट का टाइम मेरे बड़ा सुकून का होता है। मैं ये लगाकर थोड़ी देर आराम से लेट जाती हूँ, और लेटे लेटे या तो मैं मन की पाठशाला पे कुछ सुनती हूँ, या फिर कोई बहुत मन पसंद गाना हो तो वो सुन लेती हूँ। अब मैं रेडी हूँ अपने पूरे दिन के भागम भागी के लिए। सच बता रही हूँ, ये जो 5 मिनट का टाइम है ना मेरे साथ अपना बिताना, ये जो मॉर्निंग रूटीन कह लीजिए, ये मुझे चार्ज करता है पूरे दिन के लिए। ख़ास होते हैं ये कुछ वक्त, जो दिखते तो ख़ास नहीं पर होते ख़ास हैं। कपड़े जो पहले जो आपने धुलवाया था ना कर, बस घर लौटकर आना और अपने साथ फिर से वही वक्त बिताना। मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है। ये जो आप घर देख रहे हैं ये मेरा अपना नहीं है, ये पेड़ पौधे मेरे अपने नहीं हैं, ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, पर इनसे इतना अपनापन हो गया है कि क्या बताऊं। ये अपनापन ही है ना जो हमें जोड़ कर रखता है हर किसी से। मेरा ये अपना ख्याल है, हो सकता है आप इससे अग्री ना करें, लेकिन आप करके देखिएगा। ये वक्त अपने साथ बिताना
हमें काफी अलग बनाता है औरों से, अलग, स्थिर, शांत। ये सुखदेव है और ये वक्त मेरा सुखदेव के साथ बिताने का होता है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। खाना बनाते बनाते हम दोनों की थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी सीख चलती रहती है। शहर में आप खाने लगे हैं? बस इतने में ही सारा दिन निकल गया, पता भी नहीं चला। अब चाय के मग के साथ थोड़ी चुस्की लूंगी और फिर कल की तैयारी। सोच रही हूँ कल का दिन क्या होने वाला है, पर जो भी सोच लो, होना तो वही है जो कल होने वाला है। कुछ नहीं पता होता यार, हम और आप क्या एक दूसरे को सरप्राइज देंगे जो ये जिंदगी हमें सरप्राइज देती है। हर दिन कुछ ना कुछ नया, सोचो कुछ होता है कुछ। तो चलिए कल के कुछ के लिए तैयार होते हैं। और मैंने सोचा है कि कल कुछ ना कुछ खास करते हैं, यानी कि हमने बहुत दिनों से एक बात अपने जहन में रखा हुआ है कि हमें बात करनी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे, तो कल हम वो बातचीत शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः करने का कल इरादा तो है, पर कल क्या होगा मुझे नहीं पता। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि कल हम लोग ये सब बातें करें।